गाइस आप YouTube वेलकम बैक टू दी चैनल जिसका नाम है फ्रीक लवर्स। तो गाइस आप सोच रहे होगे एकदम से मैं रोड के किनारे पे आके वीडियो क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो अब मैं इस गाड़ी में चीज कराने जा रहा हूँ, मुझे शॉप के बारे में बहुत जनों ने मतलब बोला है कि भाई ऐसा काम कहीं नहीं होता। तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने कहा कि यार एक बार पूछता चलूँ, पर जब इन्होंने अपना काम दिखाया ना मुझे बिठा के, तो भाई मुझे लगा कि हाँ भाई, मतलब चलो मैं ये नहीं कहता कि बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ आ रही है, वो तो है ही कि ऑडी R8 तक इन्होंने उसके अलॉयज और ये सब कराया। अब मेन दिक्कत क्या है ना कि मेरे अलॉयज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा पुराने और उसमें आ चुके हैं बहुत ज़्यादा झरीटे। मैं यही बता रहा था कि बार बार मैं वो चीज़ करा नहीं सकता, तो मैं एक वन टाइम ऐसा रिजल्ट चाहता हूँ कि भाई एक बार ऐसा काम हो जाए कि बहुत सही लगे। रबिंग भी करा रहा हूँ गाड़ी की, कि जैसे बहुत ज़्यादा ना डल पड़ा हुआ कलर इसका गाड़ी का, तो मैं सोच रहा हूँ रबिंग वगैरह सब कुछ करा देता हूँ। क्यों यार, एक बार करा दो ना तो टेंशन फ्री हो जाता है इंसान, समझ रहे हो? बाकी जो कलर मैंने चूज़ किया है, देखो वाइट मैं करवाने वाला था जो मेरे दिमाग में था, मैं पर जिस कलर के लिए मैं जा रहा हूँ तो वो आपको एंड में पता चल जाएगा। चाहता तो मैं घर भी जा सकता था, पर मुझे आपको ये सारी चीज़ दिखानी थी कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर आके नहीं करा सकते, कहीं और से करा रहे हो, तो आपको चीज़ पता चल जाएगी भाई कैसे होती है ये चीज़, आपको क्वालिटी का तरीके का पता चल जाएगा। ठीक, टायर खोलने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। मैंने गाड़ी खरीदी थी तो स्टील रिम्स आए थे, तो मैंने यही लगवा दिया, बस यही था सरप्राइज। चलो जोक सपाट, हमारा एक अलॉय वो निकल चुका है, हम दो तीन स्टेपनी नहीं लगा सकते, इसलिए हमने एक स्पेयर व्हील लगा दिया है। तो ये देख लो ऐसी लुक आती है स्पेयर व्हील के साथ, भाई लुक तो ये है, खामखा पैसे खराब कर रहे हैं उन पर। क्या कर रहे हो? ये मंजाई हो रही है। क्या हो रही है? मंजाई बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब रेग वाला हो रहा है, रफ हो रहा है अभी, मतलब इससे क्या होगा, जो भी मिट्टी विट्टी होगी वो उतर जाएगी, साफ हो जाएगी और अपना जो पेंट करोगे ना वो लाइफ बनी रहेगी। अच्छा अच्छा, तो ये करना जरूरी होता है, मतलब इसके बिना सही नहीं रहता, उसके बगैर पेंट उतर जाता। तो ये रेगमार कितने नंबर यूज करते हो? ये 400 नंबर है। रेगमार मार रहे हो, इससे क्या पेंट भी थोड़ा निकल जाता है क्या? डल होता है इस पे। अच्छा, भैया को अपना काम करने देते हैं, अभी ये अभी तो पहला अलॉय चल रहा है, इसके बाद तीन और हैं, तो ये सारे रफ करके डल करेंगे, उसके बाद अलॉय अंदर आ जाएंगे पेंट के लिए। ये तीनों भाई मेहनत करते हुए, एक अलॉय हो गया, तीन अलॉय बचे थे, तो तीनों ही एक साथ लग गए, टाइम बचा रहे हैं। अलॉय उस रफ होने के बाद अंदर आया है, और आप देख सकते हो ये जो पेंट था ना, जितनी भी शाइन थी इस पेंट में सारी जा चुकी है भाई। उसके बाद अब क्या कर रहे हो, जैसे रफ होने के बाद? ये फिलिंग हो रही है भाई, फिलिंग जहाँ जहाँ पे, जहाँ स्क्रैच आए हुए हैं। लो भाई, इसे कहते तरीके वाला काम, जो अभी पुट्टी भरी थी जैसे उसमें भी भरी हुई है, तो उस पर भी रेगमार चलाया जा रहा है ताकि जो सरफेस है ना वो अनइवन ना हो, और पेंट करने के बाद अलग से ना चमके। तो ये होता है कि एकदम तसल्ली से काम होना, हड़बड़ी नहीं है इन काम में। ये हवा मार के पूरे टायर को साफ कर रहे हैं भाई, देख सकते हो 2.5 घंटे हो गए और अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं, कि अब सारे अलॉय अंदर से क्लीन हो चुके हैं, सारा जो प्रोसेस है सारा कंप्लीट हो गया, बस अब पेंट है जो कि आ चुका है, रबिंग वाला प्रोसेस है, वो जो फर्स्ट है उसका वो हो चुका है, बाकी बम्पर आगे और पीछे के बचे हुए हैं, पीछे भी कोई भाई लगे हुए हैं, आगे लगे हुए हैं, बाकी देखो कितना टाइम लगता है। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो जो मॉडिफिकेशन वाली थी, मैंने आपको बताया था उसमें कि मेरे जो डोर हैंडल्स हैं वो मैंने खुद कलर करे थे स्प्रे पेंट से, तो वो ख़राब हो गए थे काफ़ी, तो अभी वो भी बढ़िया तरीके से पेंट हो जाएंगे। बताया जो 3 कोट होंगे वो कलर के होंगे और 2 कोट होंगे क्लियर कोट के।
भी पहला कोट है जो पेंट का वो हो चुका है। आफ्टर शॉट में आपको अभी तक इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ बारिश हो रही है, और मतलब जिस टाइम पेंट खत्म हुआ था ना, पेंट होके जब हटा था तब भी बारिश ही हो रही थी और अभी भी बारिश हो रही है। पर मैं इस गाड़ी से आपको लुक दिखा देता हूँ, थोड़ी ऐसी लुक आ रही है। बाकी शॉट्स आपको अभी दिखाऊंगा मैं, आप टेंशन ना लीजिए। आप ये देखिए, ये लुक आ रही है। तो और अच्छे से देखना है तो आप इस गाड़ी के कैमरे में देख सकते हैं, ऐसी लुक आ रही है। अब अच्छे से आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या लुक आ रही है। अभी आप देख सकते हो, देखो गाइस, जो अलॉय का जो डिज़ाइन है वो हालांकि सेम है, बट कलर अलग होने से कितना फ़र्क आ रहा है। घर वालों को एक बार तो ये लगा कि मैं नए अलॉय डलवा के आया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, नया पेंट हुआ है तो अलॉय में शाइन भी उस हिसाब से होती है नए जैसी। आप काम कहीं से भी कराओ, पर काम का बस इतनी शॉर्ट ही लो, आपको काम के बाद दिक्कत ना हो। जैसे कि आपके सामने है ये सारी चीज़, तो आप एक बार पास से एक बार ग्लॉस भी चेक कर सकते हो। हालांकि इसको कराए हुए मुझे 1.5 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, मुझे उसके बाद थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने शूट नहीं किया। हालांकि जो अंदर हमने रेड करवाया है, और जो डोर हैंडल आपको पता है, इस डोर हैंडल में क्रैक था, यहाँ पे पुट्टी भर के उन्होंने पूरा अच्छे से ग्लॉस किया है। मतलब जो पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी उसमें और इसमें कितनी फिनिशिंग का फ़र्क है। दूर से तो हालांकि इतना जज नहीं होता, पर आप पास से देख सकते हो इसमें का फिनिशिंग आई है। ये तो चलो टायर है, टायर तो गंदा होता ही रहता है, चाहे जितनी पॉलिश मार लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में इस अलॉय का चेंज होने वाला सिस्टम, रबिंग के, अलॉयज के पेंट के, अंदर जो ड्रम्स है डोर हैंडल्स के, क्या कॉस्ट मैंने पे करी है। तो इसकी मैंने आप लगा के चलो 7-8 हज़ार मांग रहे थे, पर मैंने जितना अपनी तरफ से हो सकता है मैंने कम करवा के 5.5 हज़ार दिए थे उनको, जिसमें हालांकि काम से मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई। जो मतलब अलॉय बंदा देखता है उसको ऐसा ही लगता है कि नए लगवाए हैं, क्योंकि भाई ग्लॉस ही इस टाइप की है। अगर मैं स्प्रे पेंट करा देता हूँ तो वो चीज़ थोड़ी आएगी इसमें। मतलब मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि काम मुझे ऐसा चाहिए कि जो लंबा चले, क्योंकि मैं बार बार गाड़ी छिड़वाना प्रेफर नहीं करता कि भाई आज ये वाला स्प्रे पेंट करा लिया कल वो वाला करा लेता हूँ। मैं अकेला ही हूँ तो रनिंग शॉट थोड़ा लेना पॉसिबल नहीं है, अगर होता है तो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। बाकी आप लोग बताओ कि भाई कैसी लुक आ रही है गाड़ी की। मुझे तो पर्सनली देखो कैमरे में जो जस्टिफाई हो रहा है, जो मैं आंखों से नोटिस कर रहा है, तो मैंने पेंट कराया था ना, उसके 2 घंटे बाद बारिश हो गई थी। वो तो चलो इनके पेंट में क्या होता है, हार्डनर होता है तो जल्दी सूख जाते हैं इनके पेंट, पर मज़ा अलग है कहीं से भी पेंट निकला हो। आप अच्छे से देख सकते हो, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से पेंट निकला हो। Thank you.